अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जनाब। बर्ड डायरी व्लॉग, तो वैसे तो मेरे और भी यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन ये मेरा एक आप समझने के ज़रा तफरीही चैनल है और इस पर इंशाल्लाह तफरीही वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे। तो मैं आज आपके साथ वीडियो बनाने लगा हूँ कि काफ़ी अर्सा हो गया कबूतरों की वीडियो नहीं बनाई, जो मैंने कुछ परिंदे दो चार रखे हुए हैं। तो सर्दी भी काफ़ी, आज धूप निकली है माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा थंबनेल आपने देख लिया जनाब, यतीम बच्चा। तो ये यतीम बच्चा ये जनाब किसी इंसान का नहीं, कबूतर का है। उसकी स्टोरी भी आपको सुना देता हूँ। तो स्टोरी ये था कि जनाब एक जोड़ा था मेरे पास और उसका टैडी नार था, माती साथ चीनी सी लगाई, बड़ी जनाब मांग भी मांदी थी जनाब, बड़े शौक से लेके आया। और खैर उसने पहले एक दफ़ा अंडे दिए, वो अंडे जनाब छोटे थे साइज़ के। मैंने कहा यार नहीं, ये बच्चे ठीक नहीं निकलेंगे, इनको तोड़ देते हैं। वो तोड़े। दूसरी दफ़ा मैं जनाब नार की तीन तीन कलियाँ बाहर की आ चुकी थी, तो खैर वो जनाब नार जो उनसे ना उड़ गया। और जब वो उड़ गया तो उसके दो तीन दिन बाद मादी ने दे दिए अंडे। फिर मैं सोचूंगा यार इन अंडों को उन्हें हैच भी लाजमी कराना, तो कैसे कराया जाए। उन अंडों को हैच कराया जनाब, एक और जोड़ा था उसके नीचे रखे, दो अंडे थे, दोनों में से एक अंडा ख़राब हो गया, एक बच्चा निकला है। अब उस बच्चे का नाम मैंने रख दिया यतीम बच्चा, ठीक है। उसकी इंशाल्लाह वीडियो बना बना के आपको सेंड करता रहूँगा, आप देखते रहिएगा। तो जो मेरे परदेसी भाई हैं और मुझे पता है यार उनके पास थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाए तो वो पाकिस्तान को याद करते हैं, तो शायद किसी तरह मेरी वीडियो उनके लिए कारआमद हो जाए। तो मैं आपको वो जनाब यतीम बच्चा दिखाता हूँ कैसा है। अच्छा जी, ये मेरा जनाब ड्रोन पट्ठा बैठा हुआ है, ठीक है। ये चीनी मादी जिसके वो बच्चे हैं, मादी तो है लेकिन बाप की तरह से बच्चे यतीम हो गए। ये इसके साथ आप मोतियों वाला नार लगा रहा हूँ, और ये मेरे पास जनाब कमगर नार है, और ये इसकी मादी बैठी है अंडों के ऊपर, ठीक है जी। बड़ी गुस्से वाली है लेकिन घर बनाने वाली मादी है, तिनके छिनके पत्ते छत्ते हर चीज़ इकट्ठी करके जनाब टाइम से अपना गुड़क मार लेती है। और ये मेरा जनाब इसके अंदर बच्चा है, वो आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। और बड़ा ही तरट बच्चा बना है माशाल्लाह से। अच्छा जी, ये है जी यतीम बच्चा, ठीक है जी। और माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा बच्चा बना है, तो अल्लाह ताला जनाब इसकी ज़िंदगी याती करे, इसके नसीब अच्छे करे, जिस भी घर में जाए रौनक लेके जाए, ठीक है। बच्ची मेरी साथ है इस टाइम, वो भी इंजॉय कर रही है। ले जी अब इसको छोड़ते हैं, आए आप पीछे हो जाए ना, आपका शेडो आ रहा है, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए शेडो। ये देखें जी अब छोटा सा बिल्कुल, और ये देखें इसकी आप चलाकियाँ, ठीक है जी। एक ही अकेला है और पला भी माशाल्लाह से अच्छा है, ठीक है जी। सर्दियों के बच्चे लोग कबूतर लोग कम ही निकलवाते हैं ब्रीडिंग का, क्योंकि सीजन भी नहीं होता। ये देखें इसके कारनामे ना, ऊपर चढ़ गया पार मारता मारता, और यहाँ से अब गिर ना जाए इसलिए मैंने इसको। वेट दे दे जी, ये आज की वीडियो थी। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे, इसको मैंने पकड़ लिया है, ये देखिए अभी मैं आपके सामने जनाब इसको ऐसे बाहर छोड़ूंगा तो ये कैसे खुद ही आप पीछे हो जाए बेटे, आप पीछे हो जाए, ये देखिए कैसे अंदर भाग के जाता है। लें जी बच्चों को जनाब छोटे सो गए, इनकी खाने की ट्रे रखी हुई है यहाँ पे, और ये इनके असली सामने जनाब रहा है कि ये आप ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह नई कोई अपडेट आती है तो ज़रूर अपने भाइयों के साथ बर्ड डायरी के बारे भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। तब तक लीजिए इजाज़त, फ़ी मान अल्लाह हाफिज़।